तेरा सर मिलेगा। कहाँ मिलेगा पंजाब में बता, तेरा लोकेशन सेवा मेरा। जे जरूरत कुछ हैगी अड़ख हैगी फिर चैलेंज साडा कूल कर ला भाई। मैं आ रहा है पंजाब में, बता पंजाब में किधर आना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, किधर? और इसमें लोग बोलते हैं मेरे को कि मैं वो हनी सेठी को मिल नहीं पाया मैं लुधियाना जाके, एक बार उसको फोन करके पूछ लेना अभी कि कैसे मैं मिला। ते फिर सीधा ही वजन करिए छेत्र खाने वाले काम, ठीक है? सर नहीं, मर्यादा झटका मर्यादा, गुरु गोविंद सिंह महाराज का झटका मर्यादा। हाँ भाई विक्की थॉमसा, बड़े चैलेंज देता फिर रहा है तू मुझे, मैंने देखी तेरी वीडियो। मैं अभी ना किसी अपने फैमिली फंक्शन में बिजी था, तो जैसे ही मैंने तेरी आज वीडियो देखी, तेरी वीडियो देख के मैं फ्लाइट पकड़ के पंजाब वापस आ चुका हुआ हूँ। और तू क्या को बोल रहा है कि मुझे पंजाब में मिल कहीं मैं तेरा सिर झटकाऊंगा? अबे फुकरे, मैं तुझे अभी क्या बोलू, बाड़े के टट्टू, पैसे लेके काम करने वाले बंदे, तू मेरा सिर उतारेगा कृपान से है? अकेले वीडियो बनाने में तो तेरे से तेरे में दम नहीं है, साथ में ये दो तू अपने टट्टू चंगू मंगू लेके घूमता रहता है छोटे छोटे से। मैं तुम्हारे ना जो तुम लोगों ने जो बाना डाला हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी का, मैं सिर्फ उसका सत्कार कर रहा था, उसकी वजह से चुप बैठा था। अब मुझे यकीन हो गया हुआ है कि तू एक बहरूपिया है, तू एक नकली सिख है। तो अब से मैं जो भी तेरे बारे में बोलूंगा ना, मेरे सभी जितने भी सिख भाई सुन रहे हैं ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैं इस विक्की के बारे में बोलूंगा। किसी कोई भी बंदा ये मत बोलेगा कि मैं किसी नियंग सिंह के बारे में बोल रहा हूँ या किसी के बारे में बोल रहा हूँ। ये लोग मुद्दा भड़काने की कोशिश करेंगे कि मैं नियंग सिंह के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो आज से जो कुछ बोलूंगा इसको बोलूंगा, और विक्की थॉमस और उसके जो चंगू मंगू सारे बैठे है ना, जो बदमाश बनते जा रहा है, मेरी बात को कान खोल के सुन लो। अगर जो कुत्ता होता है ना, वो अगर शेर की खाल डाल ले तो वो शेर नहीं बन जाता, कुत्ते ने कुत्ता ही रहना है। तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुम लोग मुझे ये हथियार दिखा दोगे, कृपाने दिखा दोगे, और तुम लोगों को सोचेगा कि मैं डर जाऊंगा और तुम जो शेर बने घूम रहे हो। कुत्ता शेर की खाल डाल ले, कुत्ता कुत्ता ही होता है, ठीक है ना? और तू कृपान किसको दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है? तू चल आ, तेरा चैलेंज एक्सेप्ट है। तू अब सोच समझ के आना, मैं अकेला आऊंगा वहां पे, ठीक है? तुझे 1.25 लाख का दर्शन, तू कहता ना तुझे आज 1.25 लाख का दर्शन कराऊंगा, मैं अकेला आऊंगा वहां पे। तूने जो चंगू मंगू लेके आने, तू सियाब लेके आ जा, क्योंकि तेरे में हिम्मत ही नहीं है अकेले आने की, तू ले आ इनको। और तू अगर अपना शस्त्र की बात करता ना, तूने 4 फुट का शस्त्र डाला हुआ है, अब मैं अपना शस्त्र तुझे दिखाऊंगा, ठीक है? तू 4 फुट से चलाएगा ना, मैं अपना शस्त्र, मैं अभी क्लियरली बोल रहा हूँ कि अपनी सेल्फ डिफेंस में, ये बंदा मुझे जान से मारने की बात कर रहा है, तो मैं अपना शस्त्र अभी अपने सेल्फ डिफेंस में चलाऊंगा, और मैं फिर 10 फुट से चलाऊंगा, ठीक है? तू ये मुझे कृपाने दिखा के डरा रहा है, बंदूक के गोलियों के जमाने में तू आज है, आजकल बंदूक को गोलियों का जमाना है, तो तू मुझे कृपान से डराने की बात कर रहा है? चल तू आ, फिर मैं अपने सेल्फ डिफेंस में करूंगा जो कुछ करूंगा अभी, ठीक है? और ये मत समझना कि मैं तेरे से आते ही वहां पे प्यार से बात करूंगा, तू मेरा सिर झटका के दिखा। अब ओपन चैलेंज है तुझे, मैं वहां पे अकेला आ रहा हूं, किसी को नहीं लेके आऊंगा, ठीक है ना? तो अभी तुझे मैं देता हूं लोकेशन, मैं अभी आया हुआ हूं इधर अमृतसर में जो एयरपोर्ट के पास हूं मैं इस समय, ठीक है? तेरी वजह से मैं पैसे खर्च के यहां पे आया हूं, और तुझे अभी मैं तेरा जो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कल का, तू ये ना बोले कि सुपर खालसा ने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। अमृतसर के एयरपोर्ट के बाहर अजनाला रोड पड़ती है, मैं वहां पे खड़ा हूँ, 2:30 हुए हैं, 2:30 बजे हैं अभी, 28 तारीख है आज की, तो 2:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 2:30 बजे और 3 बजे के बीच भी, 3 बजे से पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। तुझे 4 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, तू कह रहा ना तू पंजाब में है इस समय, ठीक है? तो पंजाब में कहीं भी ट्रैवल करना हो ना, 2-3 घंटे में घूम बंदा ट्रैवल कर लेता है, किसी भी जगह पे पहुंच जाता है। तो ये मत बहाना लगाना कि तेरे पास टाइम कम था, 2 घंटे के में बंदा कहीं भी पहुंच जाता है, तुझे 4 घंटे का टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है? अभी 3 बजे का चल लगा ले, 3 बजे की वीडियो मैंने अपलोड की, तो तुझे 7 बजे मैं मिलूंगा अजनाला रोड पे बाहर, तू एयरपोर्ट के जो एयर रोड है ना, तू वहां पे आ जा, मैं तुझे वहां पे अकेला खड़ा हूंगा। ये मत सोच के आना कि तेरे से मैं प्यार से बात करूंगा, तू मुझे आके बोलेगा, फतेह बुलाएगा, मैं तेरे से प्यार से बात करूंगा, तू आके मेरी वहां पे सिर झटका के दिखा, तू अपनी ना कृपान निकाल बस एक बार, फिर मैं तुझे अपने सेल्फ डिफेंस में तुझे मैं अगर कोई दिखाता नहीं ना कोई शस्त्र ये है तो तुझे लगता होगा कि हमने कभी कृपाने देखी नहीं, या हमने कोई हथियार कोई देखा नहीं है, ठीक है ना? अब तुझे मैं दिखाऊंगा, फिर तू पहले पंजाब के लोगों को भी गाली देकर गया था कि पंजाब के लोग नपुंसक होते हैं, कोई बात नहीं, तू आ जा फिर अभी।
मैं अपने सेल्फ डिफेंस में करूंगा। तूने मुझे जान से मारने की धमकी दी है बेटा, तू अभी फंस गया। तूने मुझे अपनी वीडियो में गाली भी दी है, उसका भी मैं तुझसे अभी हिसाब लूंगा। तू पहले आ मुझे मिल, अजनाला रोड पे 7 बजे मैं खड़ा होऊंगा, एयरपोर्ट के बाद जो रोड जाती है अजनाला रोड, मैं वहां पे तुझे खड़ा होकर वहां पे मिलूंगा और वहां पे 1 घंटा खड़ा होकर जाऊंगा। 7 बजे वहां पे आऊंगा, 8 बजे तक वहां पे खड़ा होऊंगा। तुझे टोटल 5 घंटे दे दिए मैंने अभी वहां पे आने के लिए, तू चल आ जा, तेरा चैलेंज एक्सेप्ट है। अपने ये चंगू मंगू भी साथ में ले आना, मैं अभी देखता हूँ तुम लोग कितने शेर हो, तुम लोग मेरा कैसे सिर झटकाते हो, अभी मैं भी देखता हूँ फिर, ठीक है ना। तूने पंजाब के लोगों को गाली दी थी ना कि पंजाब के लोग नपुंसक होते हैं, तूने वीडियो में मुझे भी गाली दी है अभी जो तूने अभी जो लाइव किया था। मैं तुम लोगों को सिर्फ तुम लोगों ने जो बाना डाला हुआ था उसकी मर्यादा रख रहा था कि मैं इनसे इनके बारे में बोलूंगा तो लोग कल को बोलेंगे कि भाई ये सिख सिख आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों में शर्म ही नहीं है। तू पैसे की बात कर रहा, तूने पैसे खाए हैं आजाद खान से, तूने 5,000 रुपया आजाद खान से लिया वहां पे, और तेरे साथ जो चंगू मंगू है दोनों ने 2,000 रुपये लिए हैं कैश में। तुझे पता कैश पैसे लेंगे तो उसका कोई सबूत नहीं होगा। तुझे क्या लगता कि मुझे किसी बात का पता नहीं चलेगा, कोई खबर बाद ही निकलेगी। तूने आजाद खान से 5,000 नहीं लिया मेरी इंसल्ट करने के लिए, तेरे चंगू मंगू ने 2,000 रुपये लिए, फिर बाद में तुम लोगों ने मटन के साथ वहां पे रोटी भी खाई है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। निहंग सिंह अगर झटका करते हैं, अगर खाते भी हैं, तो भाई उनकी मर्यादा होती है, वो बाणी पढ़ते हैं, अरदास करते हैं, फिर खाते हैं। तेरे जैसे बीड़ी सिगटे वाले पीने वाले बंदों के पास नहीं बैठते, उनके हाथों का बना हुआ मटन नहीं खाते, ठीक है ना। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, तूने पैसे लिए है मेरा नाम खराब करने के लिए, और तुझे अभी ये है कि तू मुझसे पंगा डालेगा, तू फेमस हो जाएगा, फेम लेने के लिए तू ये सब कर रहा है। तो कोई नहीं, तूने अभी चैलेंज किया, तू चढ़ के आया, तेरा भी मैं स्वागत करूंगा। तू मेरा सिर झटका के दिखा, अभी मैं वहां पे खड़ा हूं, अकेला आऊंगा और तेरी वेट करूंगा वहां पे। 5 घंटे का टाइम दे दिया तुझे मैंने टोटल, ठीक है। तू बस तलवार निकाल अपनी, तेरी तलवार निकलने की देर है, फिर देख। तू 4 फुट से 4 फुट की तलवार की बात करता है, मैं 10 फुट से फिर हमला करूंगा। सोच समझ के आना बेटा, अभी फिर चैलेंज एक्सेप्ट है तेरा, मैं वहां पे खड़ा हूं, तेरी वेट कर रहा हूं।